Hi guys, this is Monica Suri and I'm fashion designer and today we discuss about my college project with you. So मेरे college के projects तो बहुत सारे हैं लेकिन आज मैं आपसे one by one एक एक project discuss करूँगी. तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी project हैं मेरे वो मैं आपके साथ share कर सकूँ. लेकिन एक video में possible नहीं है कि मैं सारे के सारे project आपके साथ share कर पाऊँ. उसके लिए मैं एक video और बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि सारे के सारे project आपके साथ share करूँ. So first I would share with you my pattern making projects. तो चलो start करते हैं. सो गाइज, दिस इज़ माई पैटर्न मेकिंग फाइल. सो पैटर्न मेकिंग फाइल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका मेन कवर. सो मेन कवर जितना हो सके आप अट्रैक्टिव बनाइए और आपका जो भी प्रोजेक्ट हो उससे रिलेटेड आपके कवर के ऊपर कुछ ना कुछ इंस्पायर करती हुई स्टोरी तो जरूर होनी चाहिए. सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर एक जितना भी इसके अंदर पैटर्न है सूट का और सलवार का उससे रिलेटेड लगाया हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है और उससे पता चल रहा है कि ये एक पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड फाइल है. तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट अपना बनाएं तो उसमें कोशिश करें कि जिस चीज़ का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड ही आप उसका कवर भी उससे रिलेटेड बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो नाउ आई ओपन माई फर्स्ट पेज. सो फर्स्ट पेज के अंदर आपको ऐसे जैसे आउटलाइन मैंने दी हुई है आप ऐसे आउटलाइन जरूर देना. इससे पेज अट्रैक्टिव लगता है देखने में और प्रोफेशनलिज्म भी दिखता है कि आपने एक प्रोफेशनली कोई फाइल बनाई है. सो पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड है तो आप पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड ही लिखिए. ये आप स्टेंसिल से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा बिकॉज स्टेंसिल से लिखने से आपकी एक तो राइटिंग ठीक लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है. सो मेरे को इसके अंदर ग्रेड मिला था A+. यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है. सो इसके बाद मैंने अपना पैटर्न मेकिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब ऐड किए हुए हैं और सीम ऑफ पैटर्न्स, कितनी तरह की सीम्स होती है, पैटर्न कैसे बनता है उसके बारे में प्रॉपर पूरी डिटेल. फिर फाइनल पैटर्न जो होता है उसकी थ्योरी होती है उसके बारे में हमने डिटेल बताई हुई है. सो ड्रेपिंग मैथड क्या होता है, ड्रेपिंग के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. और यहाँ पे हम बॉडी मेजरमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए आपको पहले स्केच वगैरह बनाना पड़ता है. अब तो इसके लिए भी आपको स्टेंसिल्स मिल जाएंगे जिसमें आप बॉडी खुद ही ड्रॉ कर सकते हो. पहले तो हाथ से ड्रॉ करनी पड़ती थी, अब तो स्टेंसिल्स आ गए हैं. सो स्टेंसिल्स के थ्रू भी आप ये बॉडी शेप बना सकते हो और बॉडी की जितनी भी डिटेलिंग है वो सारी आपको इसमें ऐड ऑन करनी पड़ती है जिससे कि आपको पता रहता है कि बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं जिनका आपको मेजरमेंट्स भी लेना होता है और ये चीज़ के बारे में आपको आपका टीचर. तो इस डिटेलिंग के बाद आपको हाउ टू टेक अ बॉडी मेजरमेंट के बारे में भी डिस्क्राइब किया जाएगा. फ्रंट मेजरमेंट क्या होती है और सेंटर फ्रंट मेजरमेंट क्या होती है, इन सब मेजरमेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा बिकॉज इसी के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो एपेक्स मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो इसके बारे में भी आपको प्रॉपर पूरी नॉलेज दी जाएगी. सो स्लीव्स के पैटर्न आपसे शॉर्ट शॉर्ट बनवाए जाएंगे जिससे कि स्लीव्स के बारे में आपको पता चलेगी, बेसिक स्लीव्स जो होती हैं उसका पैटर्न कैसे ड्रॉ किया जाता है तो उससे रिलेटेड आपको बताया जाएगा. उसकी थ्योरी आपको बताई जाएगी कि उसकी थ्योरी क्या है. सो ऑन स्लीव के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ग्रेन लाइन क्या होती है उसके बारे में बताया जाएगा. और ऑन बॉडी मेजरमेंट्स क्या होती हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है उसके बारे में बताया जाएगा. सो डार्ट लेस पॉइंट्स जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि ये पॉइंट्स क्या हैं और इनकी जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी उनके बारे में आपको सारा जो है डिटेल बताई जाएगी. सो लॉट्स ऑफ मेनी पॉइंट्स जितने भी हैं आपके टीचर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे साथ कमेंट में डिस्कस कर सकते हो. और आपको स्टिचिंग के लिए क्या क्या जितने भी एसेंशियल टूल्स हैं आपको चाहिए वो सब आपको बताए जाएंगे. उनकी पिक्चर ड्रॉ करवाई जाएगी जैसे कि ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं. और पैटर्न कटिंग के लिए जितने भी टूल्स हैं उनकी जितनी थ्योरी होगी वो बताई जाएगी. टूल चार्ट दिया जाएगा आपको और जितने भी बेसिक्स जितने भी प्रेसिंग टूल्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे कि क्या क्या होते हैं प्रेसिंग टूल्स. एक प्रोफेशनल प्रेस जो होती है उसके लिए आपको कैसे कैसे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं उनके बारे में बताया जाएगा. सो दीज आर द मेन थिंग्स जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालनी होती हैं. सो ये जितने भी टूल्स आप देख रहे हैं ये सारे एसेंशियल टूल्स हैं एक प्रोफेशनल स्टिचिंग के लिए. सो ये आपको सारे चाहिए होते हैं. सो आप ये सब ऐड करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर. जब भी आप पैटर्न मेकिंग का कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे ये सारे टूल्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. सो एज यू कैन सी दैट दीज आर टूल्स जो मैं आपको शो कर रही हूँ. यस, और दिस इज द मेन पॉइंट. इसमें आपको पर्सनल मेजरमेंट चार्ट फॉर वुमेन्स एंड बॉडी मेजरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड बॉडी एंड स्कर्ट पैटर्न्स, जितने भी पैटर्न्स आप बनाएंगे और उनके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको अपने फाइल के अंदर ऐड करने होंगे बिकॉज इसी से एक प्रोजेक्ट डिटेल में बनता है. सो एज यू कैन सी दीज आर द मेन डिटेल. सी यस दीज आर द मेन डिटेल. यहाँ पे मेंस वुमेन्स सबके बारे में डिटेलिंग दी गई है. ये हमें चार्ट डिटेलिंग भी प्रोवाइड करवाई गई थी जो कि मैंने अपनी फाइल के अंदर पुट ऑन किया. सो
ये आप सब देख सकते हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ मेन मेन डिटेल शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर प्रॉपर पूरी पिक्चर्स वगैरह मैंने बनाई हुई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे मशीन सीम्स के बारे में भी है कि सीम्स के जो डिज़ाइन होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये मैंने प्रैक्टिकल भी बनाया है, वो फाइल मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में डिस्कस करूँगी। सो नेक लाइन के बारे में भी बताया हुआ है कि नेक लाइन्स कैसी होती हैं। सो ये आप देखिए नेक लाइन के पैटर्न्स हैं जो हमने बनाए थे, नेक लाइन के पैटर्न भी बहुत ही अच्छे हैं, और इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि बेसिक पैटर्न जो बनाना होता है फ्रंट का बैक का वो कैसे ड्रॉ करना है। सो इट्स वी नेक लाइन और यू शेप नेक लाइन, सो इसके थ्रू आपको इसकी पूरी डिटेल। यहाँ पे हमने स्लीव्स के पैटर्न्स भी बनाए हैं, और क्योंकि ये सब जो है ड्रॉ करवाए जाते हैं और फिर वो आपको अपनी फाइल के अंदर ऐड ऑन करने होंगे, क्योंकि मैंने लीगल मटन स्लीव जो कि मैंने इसका पैटर्न रफ ड्रॉ किया था, और यहाँ पे हमें रफल स्लीव जो बनानी होती है उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया था कि नाउ विल शो यू कफ। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ क्योंकि ऐसे पता नहीं लगेगा आप। अब आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कफ का पैटर्न होता है वो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और कफ का आप अपना मेजरमेंट ले लो, आपको कितना कफ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर डिटेल वगैरह ऐड ऑन करनी होती है, ग्रीन लाइन देनी होती है, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैटर्न बनाते हैं। सो यहाँ पे मॉक फ्रेंच कफ के बारे में, ट्रेडिशनल कफ होता है उसके बारे में, ट्रेडिशनल फ्रेंच कफ होता है उसके बारे में, शर्ट कफ होता है जो नॉर्मल उसके बारे में, वाइट फिल्टर कफ होता है उसके बारे में और बताया गया है। सो ये पॉकेट का सिंपल पॉकेट का पैटर्न है, इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेलिंग भी दी हुई है। सो इसके बाद मैं आपके साथ ये स्टाइलाइज आउटसाइड पॉकेट जो होती है उसके बारे में है, इसके भी डबल्स पैटर्न है, जो आउटसाइड पॉकेट होती है उसका पैटर्न ऐसा होता है, सी ये आउटसाइड पॉकेट पैटर्न है जो लगता है। और इसके बाद आप ये देखिए वेरिएशन ऑफ इंसर्टेड पॉकेट, जो इंसर्ट अंदर से जो पॉकेट लगती है ये वो वाला पैटर्न है। सो ये सारी थ्योरी है, सो थ्योरी तो अभी आपको नहीं क्लियर होगी जब तक कि आप उसका डिटेल में स्टडी नहीं करते हो, तब तक आपको नहीं पता चलेगा उसके बारे में, तो विल डिस्कस आफ्टर दैट। सो इसके बाद हमने कुछ पैटर्न्स भी बनाए थे, चूड़ीदार पजामा पैटर्न्स बनाए थे, सो वो सबसे लास्ट में आता है आपके पास, वो मैं आपको फिर बताऊंगी कभी। और ये पजामा का एक और पैटर्न है, अलग अलग तरह के पजामाज होते हैं जो हमने बनाए थे। सो यहाँ पे ग्रेडिंग की डिटेलिंग के बारे में भी है, सो दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ लैंडमार्क्स। सो दिस इज़ माई पैटर्न मेकिंग कम्प्लीट प्रोजेक्ट, सो आई होप यू लाइक इट। आपको इसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग का पता चला होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसको देखो और उन सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत है और जो अपने प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, बाय।